नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 19 नवंबर 2021 एक ऐतिहासिक दिन था किसान आंदोलन को लेकर। आप जानते हो, अचानक से एक उभरती हुई न्यूज आ गया था कि भाई किसान आंदोलन का जो लॉज है उसे वापस लिया गया है। यहाँ पर मैं आज गाजीपुर बॉर्डर पर आई हूँ। आज है 26 नवंबर, पूरा एक साल हो गया है किसान आंदोलन को, कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। और 19 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने किसान लॉ को वापस लेने का फैसला किया है। अब यहाँ जो एक साल पूरा हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर, हमारे साथ है आंदोलनकारी मेगा पाटकन जो नर्मदा आंदोलन को लेकर है, और हमारे पास किसान नेता लोग सारे खड़े हैं यहाँ पर। तो हम पहले बात करते हैं नर्मदा आंदोलनकारी से, मेगा पाटकर जी से। नमस्कार, बताइए। आप जैसे आपको सब लोग जानते हैं कि आप एक आंदोलनकारी का नाम से जाना जाता है, और आप उसी में बहुत प्रसिद्ध भी हो गए। तो आंदोलन जीवी नाम दिया है, उस नाम से हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम आंदोलन जीवी भी है। तो आज यहाँ पर एक साल पूरा हो गया है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या आगे के क्या होना चाहिए, किसान के साथ कैसा होना चाहिए रणनीति? पहले तो देश ने ये समझना चाहिए कि जन आंदोलनों की राजनीति जीतती है, केवल चुनावी राजनीति पर नहीं भरोसा कर सकते हैं। जो सत्ता में है अलग भूमिका लेते हैं, विरोधी दल में है अलग भूमिका लेते हैं। जरूरी है कि जन आंदोलनों के रास्ते से बिना समझौते के और ठोस संवैधानिक मूल्य और मानव अधिकार के आधार पर अगर चलते हैं और जनशक्ति साथ में खड़ी है तो जीत होती है। सत्ताधीश कितने भी गुर्मी में हो, कितने भी समझौते करते हो, अपने वोट बैंक बना के रखने के लिए उनको झुकना पड़ता है। यही आज किसान मजदूर आंदोलन उन्होंने साबित किया है, और किसान को एक स्थान और सम्मान दिया है एक प्रकार से, जो बहुत महत्व का है। खेत मजदूर भी किसान है, पशुपालक भी किसान है, और ये जो गैर बराबरी है, बीभत्स अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट्स और किसान मजदूरों के बीच में, जिसको मिटाना जरूरी है। कॉरपोरेटाइजेशन का विरोध मतलब गैर बराबरी का विरोध है, जो संवैधानिक मूल्य भी है, ये भी आंदोलन ने साफ जाहिर किया है। इसलिए MSP मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, पर वो भी अगर नहीं दे रहे हैं तो इनकी चाल चलन क्या है? ये तो अभी बड़े बड़े विदेशी कंपनियों को जोड़ रहे हैं, अभी वॉलमार्ट के साथ, बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ, केवल अडानी अंबानी के बाद भी नहीं रही है, वो भी खुद विदेशी है, वो भी खुद मल्टीनेशनल्स हैं। तो ये ज़रूरी है इस आंदोलन के मार्ग पर और आगे बढ़ना, अलग अलग क्षेत्रों से जो कॉरपोरेटीकरण है उसको भी चैलेंज करना, और अपना हक तो ले ही लेना, अपना मूल्य तो ले ही लेना, लेकिन अपन भी जो प्रकृति को बचाना चाहते हैं उस प्रकृति को बचाने के लिए जीवन प्रणाली और खेती प्रणाली में भी बदलाव लाना। ये थे मेगा पाटकर जो आंदोलनकारी है, आपने उनका आवाज़ सुना है, और हम मिलते हैं अगले न्यूज़ वीडियो में।